नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आशीर्वाद दो कि मैं तुमसे किया हुआ वादा पूरा कर सकूं, तुम्हारा सपना पूरा कर सकूं। बाय मां।
Good morning, Suzanne. No, no breakfast for me, only some juice. Thank you. Good morning, sir. Good morning, Suzanne. Okay, I'm leaving for India today, so please pack my bags and send them to the airport. Okay. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, Mr. Shah. Good morning. Yes, sir. Have you made all the arrangements for me to go to India? Yes, sir. Bombay Airport is informed. We've got the clearance for a landing. Thank you. No problem at all. Mr. Shyam? Yes? Just a second. Yeah? कुछ प्रेस वाले आपसे मिलना चाहते हैं. Press? Why? वो जानना चाहते हैं आप इंडिया क्यों जा रहे हैं. Ladies and gentlemen, before I tell you as to why I'm going to India, I want you to take a good look at my mother's photograph. On my last birthday, when my mother was alive. हे भगवान, मेरे लाडले श्याम की रक्षा करना, उसका जीवन हमेशा खुशियों से हरा भरा रखना। माँ, भगवान से क्या वार्तालाप कर रही हो? बेटा, आज तुम्हारा 23वां जन्मदिन है। भगवान से तुम्हारी लंबी आयु के लिए प्रार्थना कर रही थी। चलो, भगवान को प्रणाम करो। अरे ये क्या कर रहा है? माँ, मेरे लिए तो ही मेरा भगवान है। तुम्हारे पैर छूना भगवान के पैर छूने के बराबर है। श्याम, मेरा एक अरमान है कि मेरी बहू हिंदुस्तानी हो और भारत की रहने वाली हो और बहुत खूबसूरत हो। जो कोई भी मेरी बहू को देखे बस यही कहे कि ये दुल्हन नहीं चांद का टुकड़ा है। बोलो बेटा, तुम हिंदुस्तान से अपनी माँ के लिए और इस घर के लिए चांद का टुकड़ा लाओगे ना? और वादा करो कि अपने अगले जन्मदिन से पहले लाओगे। हाँ माँ, मैं जरूर लाऊंगा और तुम्हारा ये सपना जरूर पूरा करूंगा। So, that was her dream and I'm going to fulfill it. That's why I'm going to India. That's all. Thank you, Mr. Shyam. Wish you good luck, Mr. Shyam. Have a good flight, Mr. Shyam. सज्जनों और देवियों,
आज की शाम मेरे रंगीन कपड़ों की तरह एक रंगीन शाम है, और इस रंगीन शाम का खास मेहमान भी शाम है। शाम जिसके आने की खुशी में हम सब यहां मौजूद हैं। शाम मेरे स्वर्गीय पिताजी, शाम के स्वर्गीय पिताजी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। अजी दोस्त क्या, मेरे भाई थे। तो उनका बेटा शाम मेरे बेटे राकेश की तरह हुआ, लेकिन मैं उस शाम को अपने बेटे से ज्यादा प्यार करता हूं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि शाम एक 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 करोड़पति है। करोड़पति? अरे करोड़पति नहीं, अरबपति। अरबपति? अरबपति भी नहीं, अरबपति। अरबपति? अरे पति 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 नहीं, वो कुंवारा है, 100% कुंवारा है, यानी कि एब्सोल्यूटली बैचलर। मगर आप लोग जानते हैं वो हिंदुस्तान क्यों आया है, और वो भी पहली बार? नहीं जानते ना? मैं बताता हूँ, क्योंकि उसकी पब्लिसिटी की सीटी सिर्फ मैं बजा सकता हूँ। तो बजा दूँ? बजा दे। तो सुनिए, उस सीटी की आवाज शब्दों में, ये सुनकर हर हसीन लड़की का दिल धक धक से धड़क जाएगा, उड़ने लगेगा कटी पतंग की तरह, क्योंकि वो हिंदुस्तान आया है एक खूबसूरत हिंदुस्तानी दुल्हन की तलाश में। और हो सकता है वो खुश नसीब लड़की नहीं, आप नहीं, आप में से कोई भी हो सकता है। पापा, पापा, शाम, सुबह। पापा सुबह नहीं, शाम, शाम, शाम। Welcome, welcome. You entered the garden of examination. Now let us pluck the flowers of success. Shyam, ladies and gentlemen, one and only Shyam. Shyam, tumhare chahne wale. Hello. Hi. 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 Hi, handsome. Hi. Hi. Shyam, mera beta Rakesh. Hello, Shyam. Hi, handsome. Hi. हेलो, हाय। और अब आप सबकी खुशी के लिए, और उससे भी ज्यादा शाम की खुशी के लिए, एक हसीन और खूबसूरत पेशकश। दीवाने आ जा।
अबे पड़ोसी के कहाँ है श्याम? पापा आपने फिर पड़ोसी का बोला तो क्या बोलूं, तेरी शक्ल और सीरत दोनों पड़ोसी से मिलती है, पड़ोसी का ढक्कन। पापा मैं तो आपका ढक्कन हूँ, आपका बेटा हूँ। आप तो ये सब मम्मी को छेड़ने के लिए बोलते थे ना, मुझे सब मालूम है। पापा पापा शाम के साथ साथ मेरी भी शादी करा दीजिए ना। बेटे तू ना हॉस्पिटल में पैदा हुआ था ना घर में, तू हुआ था हनुमान जी की मंदिर की सीढ़ियों पर, इसलिए तू बाल ब्रह्मचारी रहेगा, तेरी शादी कभी नहीं होगी। कहाँ है श्याम? श्याम बेटा। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग। श्याम बेटा, कल रात की पार्टी में तुम्हें देखकर लगा कि तुम्हें कुछ मजा नहीं आया, क्या पूरी पार्टी में ऐसी कोई लड़की नहीं थी जिसकी बिजली तुम पर गिरे? नहीं अंकल, मैं यहाँ सीताराम राधा और कृष्ण का हिंदुस्तान देखने आया था, लेकिन कल रात जो कुछ मैंने यहाँ देखा ऐसा लगा कि मैं हिंदुस्तान में नहीं किसी विदेशी मुल्क में हूँ। तो फिर श्याम तुझे कैसी लड़की पसंद है? जो सर से पांव तक हिंदुस्तानी हो। माँ ने कहा था कि जो भी उसे देखे कहे कि वो चांद का टुकड़ा है। चांद का टुकड़ा? बेटे अब हिंदुस्तान गांव में बसता है, हिल स्टेशन में बसता है, शहरों में नहीं। तो फिर अंकल हम माँ का सपना पूरा करने गांव में जाएंगे, हिल स्टेशन में जाएंगे, अपने चांद के टुकड़े की तलाश में। हम जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे। लेट्स गो, लेट्स गो। अंकल हिंदुस्तान में आज मुझे पहली बार हिंदुस्तानी सुर सुनाई पड़े हैं, मैं भी आया। क्या बेटा, क्या बेटा, क्या बेटा, जल्दी आना। श्याम अंकल जल्दी आइए, मुझे चांद का टुकड़ा मिल गया है। अरे इस हिल स्टेशन पे हमें एक हिल का टुकड़ा नहीं मिला, और तुम चांद के टुकड़े की बात कर रहे हो, चलो हमें भी दिखाओ, हम भी देखें कहाँ है। अरे किधर है भाई, किधर है, कहाँ है? अंकल नदी के उस पार उन पेड़ों में कहीं गायब हो गए। जो लड़की गायब हो गई उसका ख्याल मन से गायब कर दो, और जो चला गया उसे भूल जाओ। चलो अभी होटल चलते हैं, चलो भाई, चलो चलो चलो, घोड़ा घोड़ा घोड़ा। राजा साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार श्याम, ये राजा साहब हैं और राजा साहब ये श्याम, श्याम फ्रॉम लंदन, बिजनेस टाइकून। हेलो मिस्टर श्याम, नाइस मीटिंग यू सर। श्याम मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज जरूर जन्माष्टमी है, क्योंकि राजा साहब दुनिया के किसी भी कोने में हो जन्माष्टमी वाले दिन अपने जन्म स्थान जरूर पहुंच जाते हैं, क्यों राजा साहब है कि नहीं है? हाँ मिस्टर श्याम, आज जन्माष्टमी के अवसर पर हमारे यहाँ खास उत्सव मनाया जाएगा, हम चाहेंगे कि आज की शाम आप हमारे साथ गुजारें। मैं जरूर कोशिश करूंगा सर। हम इंतजार करेंगे।
वही लड़की जो राजा साहब के फंक्शन में नाच रही थी, गा रही थी, वो कौन सा गाना था? आज राधा को श्याम याद आ गया, वही 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 ना? हाँ अंकल वही। अरे भूल जाओ उसे, ऐसी खूबसूरत लड़कियां तो ना जाने कितनी इन वादियों में रहती है, तुम जिसे पसंद करोगे उसे तुम्हारी शादी करा देंगे। ओ, लड़की भी वही पसंद है और शादी भी उसी से करूंगा। आप जो राजा साहब से पता तो लगाई कि वो रहती कहां है? मगर राजा साहब तो चले गए। हां वो तो पेरिस चले गए। डोंट वरी अंकल, मैं खुद ही उसे इन वादियों में ढूंढ लूंगा। छुन्नु छुन्नु बाबू, छुन्नु छुन्नु बाबू। क्या बोला? हम इनको प्यार से छुन्नु छुन्नु बाबू बोलेंगे, पर आपको हम प्यार से बोलेंगे मुनु मुनु बाबू। आपकी तारीफ? हम तो आयुर्वेदिक डॉक्टर है ना, हमारा तीन ठो बेटी है, जो बड़ा बेटी है ना वो तो बिल्कुल गुलाब का फूल, और जो मंजली है ना वो तो एकदम रसगुल्ला, और जो तीसरा वाला है ना सबसे छोटा वो तो नया गुड़ का संदेश। लेकिन आप डॉक्टर के ऊपर हलवाई ज्यादा लगते हैं। आप हमको हलवाई बोलो, नाई बोलो, या बकरा काटने वाला कसाई बोलो, लेकिन आप अपने आप को हमारा जमाई बोलो। ए, तुम आदमी हो या बीमारी? आप हमको बीमारी बोलो, तरकारी बोलो, या सरकारी बोलो, किंतु हम शादी तो जरूर पक्का करेंगे। सुनो सुनो बाबू, आप तो लंदन का है ना, हम आपको अपने हाथ से फिसलने नहीं देंगे। अच्छा, तो लंदन के नाम से तुम्हारे मुंह में पानी आ गया? अरे जाइए जाइए, पहले गंगा के पानी में कुल्ली करके आइए। कुल्ली किया? हम कुल्ला करेंगे, लेकिन आपका शादी जरूर पक्का करेंगे। ओहो अंकल, मैं यहाँ से चलता हूँ। सुनो सुनो बाबू, आप निकोताई जाचिन कहाँ निकले? बाबू मुशाय, आप मुझे छोड़िए, अंकल से शादी की बात कीजिए ना। आउट। आपनी अंकल? पूरी बाबा, हम तो आपको ड्राइवर समझा था। शट अप एंड गेट लॉस्ट। नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमारी एक तो शॉली भी है। तो? वो बेवा है। तो? उसका आपका जोला खूब अच्छा लगेगा, उसका तीन तीन बच्चे पहले से है, आपको बच्चा पैदा करने का तकलीफ नहीं। बकवास बंद करो, निकल जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, ऐसा नहीं निकलेंगे। देखिए ये हमारा कार्ड है, जब भी हमारी जरूरत पड़ेगा ना जरूर बोलना। ओरे ओरे दिल को कोई काम याद आ गया, दिल को कोई काम याद आ गया, आज राधा को शाम याद। ए मिस, आ गया तुम्हारा शाम। ओ मिस, कल रात मैंने आपका डांस देखा, आपको करीब से देखा, ऐसा लगा कि आसमान के चांद से टूटकर एक चांद का टुकड़ा जमीन पर उतर आया है। यू आर ब्यूटिफुल, यू आर गॉर्जियस, यू आर फैंटास्टिक। ए मिस, मेरा नाम शाम है, आई लाइक यू, यू लाइक मी। अरे कुछ तो जवाब दो। ए मिस, अपना नाम तो बता दीजिए। अरे कुछ तो बोलो। होता तो तुम इस तरफ होती हो, और आज जब मैं इस तरफ हूं तो तुम उस तरफ हो। ओहो, अच्छा समझा, तुम ये सोच के नदी के उस तरफ चली गई कि मैं तुम्हें वहां मिलूंगा, और मैं ये सोच के इस तरफ आ गया कि तुम मुझे यहां मिलोगी। ए, तुम मुझसे दोस्ती करोगी? ओहो, कबाब में हड्डी सुना था, लेकिन ये हमारे बीच नदी कहां से आ गई? मुझसे दोस्ती कर लो, फिर मैं तुम्हें लंदन, रोम, पेरिस, जर्मनी, जापान, सारी दुनिया की सैर कराऊंगा, क्वीन एलिजाबेथ की तरह बकिंगम पैलेस जैसे महल में रखूंगा। क्यों, बोलो तुम्हें मेरी दोस्ती मंजूर है? अरे मिस, कुछ तो बोलो।
अच्छा जाते जाते ये तो बता दीजिए कि तुम्हारा नाम क्या है। नहीं। अच्छा ये तो बताओ कि कल तुम किस तरफ मिलोगी, नदी के उस तरफ या इस तरफ? अंकल जब मैं नदी के उस तरफ जाता हूँ तो वो इस तरफ चली आती है, और जब मैं इस तरफ रहता हूँ तो उस तरफ चली जाती है। अजीब लड़की है। अरे लवर को परेशान करना हिंदुस्तानी नारियों की अदाएं होती हैं। अरे लेकिन ये तो कुछ बोलती नहीं है, शर्मीली होगी। अरे ये शर्मा शर्मी में तो मेरी पूरी जिंदगी कट जाएगी। मेरे दोस्त श्याम, हिंदुस्तानी नारियां जो होती है चिकनी मछलियों की तरह होती है, हाथ से फिसल जाती है। तो फिर मैं क्या करूं, व्हाट शुड आई डू? अरे हिंदुस्तानी लड़की को अंग्रेजी नहीं, हिंदुस्तानी हीरो की तरह पटाना चाहिए। हाँ, जैसे शम्मी कपूर फिल्मों में अपनी हीरोइनों को पटाता था गाना गा के, जैसे चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहता है तो कहने दहने दो, हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं हम क्या करें। चुन चुन बाबू। बाबू मुशाए, हम आपके लिए एक नया आइडिया लेके आए। देखिए वो आइडिया से आप तीनों का लाइफ बन जाएगा, और आप तीनों के लिए एक्टो 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 वाइफ मिल जाएगा। वो कैसे? देखिए ना, हमारा बड़ा बेटी का शादी चुनू चुनू बाबू के साथ में, मोजली बेटी की शादी मुनू मुनू बाबू के साथ में, शास्त्री जो छोटा वाला है ना, ये जो पड़ोस का डॉक्टर है ना, उसके साथ में। पापा ये भी पड़ोसी का बोलता है। चुप कर। मगर बाबू मुशाए, वो आपने कहा था ना एक साली है, उसका क्या हुआ? उसकी चिंता आप मौत करिए, साली तो आधा घर वाले होता है। अंकल अंकल अंकल, आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन पहले हम सब इस पे एक एक मिनट आग बन करके सोचते हैं। एक मिनट हम सब आग बन करके सोचेंगे, और एक मिनट बाबू मुशाए आग बन करके सोचेंगे। गुड आइडिया, गुड आइडिया। देखिए मैं मेरा बेटी लोग के वास्ते उम्र भर आग बन रख सकता है। देखो मेरा खुला तो नहीं है ये, आप लोग हंस रहा है, आप लोग का आवाज इतना पतला कैसे हो गया? छुन बाबू मुन बाबू धक, अरे ए डोंट लव बिलो, तुम क्यों हंस रहा है? पंछी उड़ गया है। उड़ गया? हम नहीं उड़ेगा, तीनों बेटी का शादी उन लोगों के साथ में कराएगा, मैं लीख के देता हूँ लीख के। हाय मिस, ओह माय स्वीटहार्ट, आज मैं बहुत कंफ्यूज था, आई वॉज वेरी मच कंफ्यूज कि आज तुम इस किनारे आओगी या उस किनारे, इसलिए बहुत सोचने के बाद आज मैं बोट में आया ताकि मैं तुम्हें किसी भी किनारे मिल सकूं। अरे मिस रुक जाओ मिस, अरे जल्दी करो, वो चली जाएगी यार। देखा तेरे जैसा मुखड़ा तू लगे।
मैं तुझे दिया था वही तो मेरा दिल है। गोरे गोरे गाल पे तेरे ये जो काला दिल है, पिछले जन्म में तुझे दिया था वही तो मेरा दिल है। बुरी नजर से खुदा बचाए, बुरी नजर से खुदा बचाए जानम तेरा मुखड़ा। तू लगे चांद का टुकड़ा, चांद का टुकड़ा मेरी जान लगे चांद का टुकड़ा। मैंने देखे लाखों मुखड़े, ना देखा तेरे जैसा मुखड़ा। ड्रीम सॉन्ग तोड़ दिया, क्या चांद का टुकड़ा लग रही थी आप। देखो मिस्टर, मेरी तारीफ करना, मेरा पीछा करना अगर तुमने ना छोड़ा तो इस हिल स्टेशन पर एक पुलिस स्टेशन भी है। अजी छोड़िए, प्यार करने वाले पुलिस से तो क्या मिलिट्री से भी नहीं डरते, और हमने तो आपसे इश्क किया है। इश्क और मुझसे? ये प्यार और मोहब्बत का खेल शहरों में जाकर खेली है। तुम जैसे अमीरों की चालाकी मैं खूब जानती हूँ। इन वादियों में तुम जैसे कितने अमीरों ने अपने प्यार के जाल में फंसा कर कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे नफरत है तुम जैसे अमीरों से, सख्त नफरत है। अरे रे 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 रे। अमीर और मैं खा गई ना भी धोखा। अच्छा बताइए, मैं आपको कौन से एंगल से अमीर दिखा देता हूँ? सर से पांव तक अमीरी की जीती जागती तस्वीर हो तुम। नहीं मिस, मैं तो एक बहुत गरीब आदमी हूँ, एक अमीर आदमी का सेक्रेटरी जरूर हूँ, लेकिन लंदन में। अच्छा अच्छा, ये ट्रिक किसी और पर आजमाना मिस्टर, इस राधा पर नहीं। अरे वाह, तुम्हारा नाम राधा है और मेरा श्याम, वाह ऊपर वाले क्या जोड़ी बनाई है। हाय राधा, हाउ आर यू? फाइन विदाउट यू, अब चले जाओ यहाँ से। अरे मिस, आप मुझसे इसलिए खफा है क्योंकि आप मुझे अमीर समझती हैं। अरे मैं तो इतना गरीब हूँ कि अगर गरीबों को पता चल जाए कि मैं कितना गरीब हूँ तो पता है क्या होगा? क्या होगा? सारे गरीब मिलकर मुझे इतना मारेंगे कि मैं इतना गरीब क्यों हूँ। अब तक तुम इस गरीब की मोहब्बत कबूल कर लो। तो मिस्टर, आप जागते में भी सपने देखते हैं?
के हाथ बढ़ाओ और चांद को पकड़ लो। चांद को आसमान पे रहने दो मेरे चांद के टुकड़े, तुम सिर्फ मेरा हाथ पकड़ लो। Shut up and get lost. मिस्टर श्याम, लगता है आपके मोहब्बत के सितारे सोए हुए, कभी नदी बीच में आती है तो कभी अमीरी। ओ, तो तुमने उससे कहा कि तुम बरेली के हो, फिर उसका उसका झुमका गिर गया होगा। झुमका गिरा रे बरेली के वादा। नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है, वो मुझे गरीब लड़कियों के मासूम दिलों से खेलने वाला एक अमीर आदमी समझती है, एक प्लेबॉय समझती है। होता है होता है, लड़की के दिल में विश्वास का दिया जलाने के लिए सिर्फ शमी कपूर स्टाइल में गाना गाना काफी नहीं होता, दिलीप कुमार और राजकुमार की तरह इमोशनल सीन भी करने पड़ते हैं। ये समझ से नहीं होगा, तो पापा इसकी शादी किसी और लड़की से करवा दो ना। अबे पड़ोसी के सीरियस सीन में कॉमेडी करता है उल्लू का पट्टा। पापा मैं उल्लू का पट्टा नहीं हूँ और ना ही पड़ोसी का हूँ, मैं तो आपका पट्टा हूँ। अबे पिलपिले चुलबुले कैरेक्टर के ढीले, इस समय हम शाम की जिंदगी में जो एक चांद के टुकड़े की कमी है हम उसके बारे में सोच रहे हैं, तू भी सोच। सोच सोच क्या करते हैं आप, हम तो पहले से ही सोच लिया, चिंता मत करिए, मैं मेरे साथ में तीन तो चांद का टुकड़ा लाया हूँ। चांद का टुकड़ा फास टम 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 कड़ा कड़ा दिक्कड़ टुकड़ा दिक्कड़ दिक्कड़ दुक्कड़ डम बुड डम 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 डड डम डम। आप जानते हैं ये तीनों चांद का टुकड़ा हमने ऑफिशियली पैदा किया हनीमून के बाद। अरे हमें क्या लेना देना, चाहे हनीमून से पैदा किया हो या देहरादून से। लेकिन बाबू मशाए, आप इन लड़कियों को क्यों लाए? आपको पोषण करवाने। लेकिन बाबू मशाए, मैंने अपने लिए दुल्हन पसंद कर ली है। पापा नहीं, मेरा होने वाला शोनिल्ला ऐसा मत कहिए, नहीं तो मेरा तीनों बेटी जवानी में ही जवान दे देगा। अभी अभी बंगाली भाषा से पीछा कैसे छोड़ा जाए? पापा इन तीनों से मैं शादी कर लेता हूँ। चुप बे पड़ोसी के पापा। अंकल मैं अब चलता हूँ। नहीं नमस्ते। आप दरिया फू लोगेगा धोखा गिरेगा तू डाई डाई धच्चा मैडम का। अरे मुनु मुनु बाबू। अरे देवी कितना थुपतुला थुपतुला प्याला प्यालो है। बाबा बोले थे लम चुप रहने का, चुप भी नहीं बोलने का। ओ माँ अतवा मैं तो नहीं बोली। ये तो तीनों की तीनों तोतली है। एक्सक्यूज मी मिस्टर श्याम। यस माय नेम इज टिनटिन, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। मेरी हेल्प? हाँ, आप वो बाबू मोशाए और उसकी तीनों लड़कियों को पसंद नहीं करते हैं ना? नहीं। और जिसे पसंद करते हो वो पट्टी नहीं। अरे वाह, तुम कोई जादूगर हो क्या? नहीं नहीं मिस्टर श्याम, मैं तो आपको सिर्फ आपकी प्रेमिका से मिलाना चाहता हूँ, मगर एक शर्त है। अरे मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है यार। आपको मुझे चॉकलेट का एक बॉक्स देना होगा, 5,000 रुपए वाला, इतना बड़ा। अरे मैं तुझे चॉकलेट की पूरी फैक्ट्री दे दूंगा, लेकिन ये बता वो कैसे मिलेगी? देखने में तो वो शिवजी का मंदिर दिखता है, लेकिन अंदर से कृष्ण जी की लीला है, जो कोई वहाँ जाता है तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो चल अभी चलते हैं। अभी नहीं मिस्टर श्याम, कल सुबह चलेंगे, इतना बेचैन नहीं होना चाहिए, पेशेंस रखिए पेशेंस। गुड नाइट। गुड नाइट। देखा टिंटिन, मुझे तो बिल्कुल लिफ्ट नहीं देती, अब तू ही को चक्कर चला ना। मेरी फीस ये ले। डीआईडीआई। आपने मुझसे कुछ कहा? यस डीआईडीआई। डीआईडीआई ये डीआईडीआई क्या है? डीआईडीआई का मतलब दीदी, क्या आप मेरी दीदी बनेंगी? आहा क्यों नहीं, तो दीजिए एक कॉपी। हाँ हाँ थैंक यू डीआईडीआई। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम टिंटिन है, आपका नाम क्या है डीआईडीआई? राधा। तुम उसकी क्या हो जो तुम्हारे साथ खड़ा था? वो मेरा दोस्त है, वो आपको बहुत लाइक करता है, क्या आप भी उसको लाइक करती हैं? नहीं वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो फिर मैं उसे कह दूं खरीद ले। क्या खरीद ले? कफन। कफन किसके लिए? खुद के लिए, क्योंकि आज वो आत्महत्या करने वाला है। टिंटिन तुम्हें पूरा यकीन है कि वो आज आत्महत्या कर लेगा? हाँ डीआईडीआई, कल उसने एक ट्रेजिक मूवी देखी थी, उसमें हीरो ने आत्महत्या कर ली थी क्योंकि हीरोइन ने उसके प्यार को ठुकरा दिया था,
और अगर आप भी उसके प्यार को ठुकरा देंगी तो समझ लो वो मर गया। हाँ, मरने दो, मुझे क्या है। लेकिन डीआई लेकिन क्या। अगर वो मर गया तो आपका नाम बदनाम हो जाएगा। अरे वो कैसे। वो एक लेटर लिख के लाया है, उसमें लिखा है कि आपने उसके प्यार को ठुकरा दिया है, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। अगर वो मर गया तो सारे शहर में आपकी बदनामी होगी ना डीआई। हाँ टिंटिन, बदनामी तो हो जाएगी, फिर हमें क्या करना चाहिए। अच्छे खिलाड़ी की तरह सिचुएशन हैंडल कर लेनी चाहिए, उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है कर लेते हैं। मिस्टर श्याम, डीआईडीआई मिस्टर श्याम, मिस्टर श्याम डीआईडीआई राधा। हेलो 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 हेलो, एक्सक्यूज मी मिस्टर श्याम, मुझे मत भूल जाना। बाय बाय डीआईडीआई। बाय बाय। दस किलोमीटर से पैदल चला चला के यहाँ तक ले आई, अब कहाँ तक ले जाना है कुछ तो बोलो। लोग तो जन्म जन्म तक साथ निभाते हैं और तुम्हारे 10 किलोमीटर में जान निकल गई। जान आ गई, तुम्हारी आवाज सुनते ही जान वापस आ गई। अब बोलना शुरू किया राधा जी, तो ये बताओ कि तुमने भगवान के मंदिर में क्या मांगा। पहले तुम बताओ। मैंने मांगा तुम्हारा साथ, तुम्हारा प्यार, तुमसे शादी। तुमने क्या मांगा। तुम्हारा सर। हाँ मैंने मांगा भगवान इस चिपकू से मेरा पीछा छुड़ा दे। चिपकू एंड मी, ओह नो, ऐसा और कुछ तो नहीं मांगा ना भगवान से। हाँ मांगा, कभी गलती से भी तुम्हारे लिए मेरे मन में प्यार का ख्याल ना आए। और क्या मांगा भगवान से। इस जन्म में मिला है, अगले जन्म में ना मिले। मगर क्यों राधा जी, ऐसा क्यों। इसलिए कि तुम्हें देखकर अपनी घंटी नहीं बजी। अरे हाँ कह दो, घंटी क्या, घंटे ही घंटे बज जाएंगे। हाँ कह दो। नहीं कह सकती। नहीं कह सकती क्यों। कह दिया ना। नहीं। लेकिन क्यों नहीं। नहीं नहीं नहीं। क्यों क्यों क्यों। इसलिए कि। इसलिए क्या क्या। तू लड़का है लंदन का, मैं लड़की हिंदुस्तानी। तू लड़का है लंदन का, मैं लड़की हिंदुस्तानी। तेरी मेरी नहीं बनेगी कोई भी कहानी। जा दिल भर जाने, जा दिल भर जाने, ओ जा दिल भर जाने। हाय रूपी रानी, मैं लड़का हूँ लंदन का, तू सुन लड़की दीवानी। लंदन का तू सुन लड़की दीवानी, चीर के सीना देख ले मेरा दिल है हिंदुस्तानी। और रूपिरानी, हाय रूपिरानी, और रूपिरानी।
जानी हाय रूपी रानी, मैं लड़का हूँ लंदन का, सुजुर लड़की दीवानी, चीर के सीना देख मेरा दिल है हिंदुस्तानी, ओ रूपी रानी हाय रूपी रानी। लड़की जानती है तू इस दुनिया में सबसे सुंदर है, मगर मगर क्या? मगर तुझसे भी सुंदर कोई और है। वो कौन है? वही जिससे मैं बहुत बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा तो जाना, जाके उसी को प्यार करो, क्या हम क्यों झक मार रहे हो? अजी क्या करूँ, उससे तो मैं बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा तुमसे भी हो गया है। कोई जरूरत नहीं मुझे प्यार करने की। अच्छा जाते जाते ये तो सुनती जाओ, जिससे मैं प्यार करता हूँ वो है कौन? जल्दी बताओ, टाइम नहीं अपने पास। बता दूं? हाँ बताओ। सुनोगी? अरे बाबा सुनाओ भी। जलन हो रही है। तुम बताते हो कि मैं जाऊं? जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ वो है मेरी माँ। तुम्हारी माँ? हाँ राधा, वो अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी तमन्ना थी कि उनकी बहू चांद के टुकड़े जैसी हो। क्या तुम उनका सपना पूरा करोगी? हाँ श्याम। ब्यूटीफुल ड्रेस राधा, अगर तुम इस तरह का ड्रेस पहनोगी ना तो तुम एकदम लंदन की मेम लगोगी। अच्छा फिर क्या होगा? फिर तुम बहुत अच्छी लगोगी। तो तुमको हमारा मेम बनना पसंद है? ऑफ कोर्स, हमें लंदन में रहना होगा, और अगर तुम इस तरह का ड्रेस पहनोगी तो तुम एकदम यूरोप और अमेरिका के लोगों की तरह लगोगी। ठीक है, तुम्हारे लिए ये ड्रेस भी पहन लेंगे। दैट इज व्हाई आई लव यू। चलो बारमैन, टू ऑरेंज जूस प्लीज। यस सर। लो यो। जी नहीं, मैं पीती नहीं। जो समंदर में गोता लगाते हैं
वो भीख कर जाते हैं और जो बाहर में आते हैं वो दो दो पैग पी कर जाते हैं। लो पियो। मैंने कहा ना प्लीज नो। पियो। ठीक है आप कहते हैं तो। देखिए मिस्टर शराबी जेंटलमैन, जब कोई लड़की ना कहे तो उसे हाथ नहीं लगाना चाहिए। अबे तू हमारे बीच बोलने वाला कौन है? हमारा और इनका मामला इश्क और रोमांस को पार करके शादी की ओर जा रहा है, और अगर आपने इनको छूने की कोशिश की तो मैं आपको तोड़ फोड़ दूंगा। तू मुझे तोड़ेगा? मुझे फोड़ेगा? हाँ। अरे अब बकवास बंद कर वरना मैं तेरा कबाब बना दूंगा, क्योंकि ये लड़की मुझे चाहिए। लड़की चाहिए आपको? यस। क्यों आप इनसे राखी बनवाएंगे? तो फिर एक काम करते हैं। या? ये रुपया मैं आपकी हथेली में रखता हूँ, तीन गिनने के बाद अगर आपने हथेली बंद कर ली और ये रुपया आपकी हथेली में रह गया तो ये लड़की आपकी। लेकिन तीन गिनने के बाद आपकी हथेली बंद होने से पहले अगर ये रुपया मैंने निकाल लिया तो ये लड़की मेरी। मंजूर है? मंजूर है। वेरी गुड। एक, दो। कॉइन मेरे हाथ में तो लड़की मेरी। आपका जुखा, हम लोग चलते हैं। बाय बाय। अब भी लड़की चाहिए? बाज नहीं आएगा ना? नहीं नहीं। ये क्या हुआ? कुंग फू लॉक, हिंदी ताला लगा दिया। क्या? चले चलो। अच्छा इस बेचारे का ताला खोल दो प्लीज। तुम कहती तो खोल देता हूँ। चलो लड़की। अच्छा श्याम मैं चलू? हमेशा आती हो जाती है लेकिन घर कभी नहीं बुलाती हो। घर बुलाओ, मम्मी डैडी से मिलवाओ। जरूर मिलवाऊंगी। लेकिन कब? वक्त आने पर। ये वक्त कब आएगा? बहुत जल्द। वैसे मैं तुमसे कल मिलूंगी। अच्छा चलो। बाय श्याम। बाय। बाय बाय। आपके लिए लंदन हॉस्पिटल से कॉल है। ओके। हेलो। आपकी माँ का एक्सीडेंट हो गया, जल्दी आइए। ओह माय गॉड। यही तेरे दादी का हत्यारा है। जब तू हिंदुस्तान जाएगा ना तो इस भेड़िए को जरूर ढूंढना। इसी ने तेरे डैडी की दौलत हड़पने के लिए तुझे अनाथ और मुझे विधवा बना दिया था। तुझे डैडी की खून का बदला लेना है। हाँ माँ। हाँ। ये मेरी
आखिरी इच्छा है। कौन? तेरी मौत। गोली मार दूंगा। अब बताओ तुम मेरी जान क्यों लेना चाहते हो? इसलिए कि तुम मेरे बाप के कातिल हो। ये तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारे बाप का कातिल हूं? मेरी मां ने। तुम्हारी मां ने? तुम्हारे बाप का नाम? एसके मल्होत्रा, जिनका खून तुमने किया है। एसके मल्होत्रा? वो तुम्हारे पिता थे? लेकिन बेटे तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है कि मैंने उनकी हत्या की थी? सबूत? ये तस्वीर जो मरते वक्त मेरी मां ने मुझे यह कह के दी थी कि यही तेरे बाप का कातिल है। अब कह दो कि यह तस्वीर भी तुम्हारी नहीं है। नहीं बेटे, ये तस्वीर मेरी नहीं बल्कि मेरे जुड़वां भाई सोहन सिंह की है। इसका सबूत तुम्हें अभी मिल जाएगा, और अगर इसके बाद भी तुम्हें यकीन ना आए बेटे तो इसमें 6 गोलियां हैं, सबकी सब मेरे सीने में उतार देना। लो। दरिंदे ने दौलत के लिए सिर्फ तुम्हारे डैडी को ही नहीं बल्कि हमारे अपने पिता को मार डाला, अपने बड़े भाई का खून कर डाला, अपनी छोटी बहन की दौलत हड़पने के लिए अपनी ही बहन और उसके पति का खून कर डाला, और उन खूनों का इल्जाम मेरे सर मन डाला और मुझे 14 साल के लिए जेल भेज दिया। अगर अब भी तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा है तो रिवॉल्वर है तुम्हारे हाथ में, उतार दो 6 की 6 गोलियां मेरे सीने में। नहीं सर, I'm sorry। रू रू रबर बेरी बिबा, रबर बेरी बेरी बिबा, रबा। अरे राधा तू? Oh my God, you're looking so pretty। राधा ऐसे क्यों खड़ी हो? बाहर आओ ना। ए राधा बाहर आओ ना। क्या सुनाई नहीं दे रहा? देखो अगर तुम बाहर नहीं आओगी तो मैं अंदर आ जाऊंगा। आ जाओ। देखो हाँ ये तो लॉक है। एक्सक्यूज मी। यस सर। वो दुकान कब खुलेगी? आज नहीं खुलेगी। क्यों? आज संडे है। अरे ये कहां चली गई? अरे शाम, ये सुबह सुबह क्या शॉपिंग कर रहे हो भाई? शॉपिंग नहीं अंकल, चुनो चुनो बाबू, हमको भी साथ में ले लो, हमारा बेटी का हाथ हाथ में ले लो। बाबू मुशाए, हमें तो चांद के टुकड़े की तलाश थी और हमें हमारा चांद का टुकड़ा मिल गया। उई रे बाबा, आप हमारा 300 टुकड़े में से कौन सा बेटी को चांद का टुकड़ा बोला? बड़ी बेटी, छोटी बेटी या मोंगली? मुनमुन बाबू, हसमुख बाबू, वही तो। वही तो क्या, तुम्हारी बेटी चांद का टुकड़ा नहीं भैंस का टुकड़ा है। देखिए ना कैसा बोलता है, गंदा गंदा, मेरा दिल तोड़ते हैं। बाबू मशाय खफा नहीं होते। ए राधा, ए राधा राधा राधा, ए राधा राधा, सुनो तो राधा राधा। आपने मुझसे कुछ कहा? जी हमने आपको कहीं देखा है। आप? ओह आई एम सॉरी, आपका नाम याद नहीं आ रहा है। अरे क्या बात कर रही हो, मैं तो बड़ा श्याम हूँ। मेरे सियाम? नो नो, मिस्टेक मिस्टर मिस्टेक, आपको मैंने पहचाना नहीं। राधा मजाक छोड़ो यार। ये मजाक नहीं, मैं यहाँ किसी को मिलने आया है, और यहाँ हमारा अपना कोई है मगर पता नहीं वो कौन है। उसे कुछ काम था, वो काम भी भूल गया और उसका नाम भी भूल गया, सॉरी। तुम जिससे मिलने आई हो वो मैं हूँ, और मेरा नाम I am very very sorry, तेरा नाम भूल गया।
क्या कबाब में हड्डी बन के वो लोग कौन थे? वो मेरे पापा के दोस्त हसमुख अंकल थे। दो प्यार करने वालों के बीच अगर फूल भी आ जाए तो दूरियां हो जाती है। अच्छा, तो फिर इसी बात पर हम तुमसे आज ही शादी करके तुम्हें हनीमून के लिए लंदन लेके जाएंगे। क्या? माय गॉड, आज ही? हाँ, लेकिन उससे पहले हमें तुमसे एक बात सच सच कहनी है। तो तुमने मुझसे कुछ झूठ भी बोला था? एक छोटा सा झूठ। हाँ? राधा, मैं दुनिया के 10 अमीरों में से एक हूँ। क्या? हाँ, मैं तुम्हें लंदन में क्वीन बना के रखूंगा। मुझे नहीं बना कोई क्वीन। क्यों? तुमने मुझसे इतना झूठ क्यों बोला कि तुम एक मामूली सेक्रेटरी हो, एक गरीब आदमी हो। अरे लेकिन अमीर होना कोई जुर्म तो नहीं है? हे, तुम जैसे अमीर हम जैसे गरीबों के जज्बात से खेलते हैं। आज इतना झूठ बोला, कल तुम्हारी कई बीवियां निकलेंगी, एक अमेरिका से, एक जापान से, एक फ्रांस से। आई एम सो सॉरी सर, मुझे नहीं करनी तुमसे शादी। आई एम वेरी सॉरी। राधा, राधा मेरी बात तो सुनो। मेरे पीछे पीछे मत आना, कहा ना नहीं करनी तुमसे शादी। राधा, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। एक लड़की की वजह से तेरी आंख में आंसू? मैं हार गया। अरे वर्ल्ड वॉर हो सकती है, तेरे दिल की हार कैसे हो सकती है? हार हो गई। राधा ने शादी से इनकार करके मेरा दिल तोड़ दिया। तू मायूस ना हो मेरे बच्चे, मैं तेरे लिए भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाऊंगा, वहां 101 नारियल चढ़ाऊंगा और भगवान भोले शंकर से प्रार्थना करूंगा कि हे भोले शंकर, मेरे बच्चे को उसका चांद का टुकड़ा दिलवा दे। अगर भोले शंकर ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली तो ठीक है, नहीं तो नहीं। अंकल, मैं उसे जबरदस्ती करके अपनाना नहीं चाहता। मैं उसे एक बार फिर समझाने की कोशिश करूंगा और अगर वो फिर भी ना माने तो मैं उसकी हसीन यादों को अपने सीने से लगाकर हमेशा हमेशा के लिए हिंदुस्तान छोड़कर चला जाऊंगा। चाहे तो मार मार कर मेरी जान निकाल दो, मैं शाम से शादी नहीं करूंगी। मैं उसे प्यार करती हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। हीरोइन को हीरो से प्यार हो गया है, मगर मेरे ड्रामे में हीरो का डेथ सीन है मेरी जान। डेथ सीन? बकवास बंद करो। चला, तेरे इस खूबसूरत चेहरे को तेजाब डालकर इतना भयानक बना दूंगा कि मारे घबराहट के भगवान खूबसूरत चेहरे बनाना छोड़ देगा। इससे पहले कि मेरे अंदर का शैतान जाग जाए और इंसानियत की अर्थी उठ जाए, अपनी जिद छोड़, उससे शादी कर और फिर उसकी हत्या। नहीं, कभी नहीं। रियली? मुझे मालूम था कि कहानी में ट्विस्ट आ सकता है, इसलिए कहानी का एक इंपॉर्टेंट सीन मैंने तुम्हें सुनाया ही नहीं। आज भी सुनाऊंगा नहीं बल्कि दिखाऊंगा। सुहाग की सेज लाई जाए। दुल्हन को पेश किया जाए भाई। आज यहाँ बगैर शादी के स्वागत होगी। लोग दरवाजा बंद करके मनाते हैं, लेकिन ये लोग खुले आम मनाएंगे। आदत से मजबूर है। मीनू को छोड़ दो, तुम जो कहोगे मैं करूंगी। मेरे मीनू को छोड़ दो, मेरे मीनू को छोड़ दो। My son. Yes, papa. मैं जानता था कि इस सीन का पहला टेक ही ओके होगा। कट। भोले शंकर। शांत देखो, पापा तुम्हारी राधा के लिए भगवान शंकर को 100 नारियल चढ़ा रहे हैं। ए भोले शंकर, मेरे शाम को उसकी राधा दिला दे। 10, 20, 30। पापा। क्या भोले शंकर, तुम भी मुझे पापा बुला रहे हो? पापा इधर। पापा आप 3 नारियल को 30 गिन रहे हैं। अबे चुप है पड़ोसी के, मुझे डिस्टर्ब मत कर, मैं बहुत टेंशन में हूँ। भोले शंकर, जब तक तू मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं करेगा, जब तक तू मेरे शाम को उसकी राधा नहीं दिलवाएगा, मैं ऐसे ही तेरे चरणों में नारियल फोड़ता रहूंगा और जब ये नारियल खत्म हो जाएंगे तो मैं अपना सर फोड़ दूंगा। बच गई घंटी, बज गई। धन्य हो भोले शंकर, घंटी बज गई। पापा मुझे तो कहीं घंटी दिखाई नहीं देती, तो फिर ये आवाज कहाँ से आई? अबे चुप है पड़ोसी के, पापियों को कभी घंटी दिखाई नहीं देती, आवाज सुनाई नहीं देती। अंकल, वो मेरे शाम,
राधा तुम्हें मिलेगी, अवश्य मिलेगी। भगवान शंकर का आशीर्वाद मिल गया। तू उन सब जगहों पर जा जहाँ जहाँ तुझे राधा मिला करती थी, तुझे राधा अवश्य मिलेगी। जा मेरे बेटे, जा 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 जा। अच्छा अंकल। राकेश बेटा। यस पापा। आज राधा शादी के लिए जरूर हाँ करेगी। मेरे प्यार को नजर लगे ना, मेरे प्यार को लगे ना मेरे प्यार को।
मिलना समझ में नहीं आता श्याम, मैं क्या करूं? तुम मुझसे प्यार करती हो ना? हाँ श्याम, बहुत प्यार करती हूँ। तो फिर आज ही हम शादी करेंगे। नहीं श्याम, नहीं, शादी करके मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मेरे चांद के टुकड़े, मुझसे शादी करने के बाद तुम कुछ खोगी नहीं बल्कि सब कुछ पाओगी। सब कुछ खो दूंगी श्याम, वो लोग हमारी शादी होते ही तुम्हें मार डालेंगे। मार डालेंगे? हाँ। मुझे कौन लोग मार डालेंगे? हसमुख और उसका बेटा। हसमुख अंकल और राकेश मुझे मार डालेंगे? ये तुम क्या कह रही हो राधा? हाँ श्याम, उन्होंने तुम्हें एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार बनाया है। कैसी साजिश? साफ साफ कहो राधा। आज मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी श्याम, चाहे मेरी माँ, मेरी बहन या मेरी जारी क्यों न चली जाए, लेकिन तुम पर आंच नहीं आने दूंगी। ये उस दिन की बात है श्याम, जिस दिन मेरे कॉलेज में डांस फेस्टिवल था। आपके काम की चीज? बिल्कुल बिल्कुल। आज तुम्हारी किस्मत खुल गई। खुल गई ना पापा। हाँ
अब मुझे पड़ोसी का ढक्कन नहीं बोलेंगे ना? वो तो कहूंगा, आदत जो पड़ गई है। पापा इसको अपने प्रोग्राम के लिए साइन कर लेते हैं। यस पापा। यस प्लीज। नमस्ते जी, हम राधा जी के फैन हैं। एयर कंडीशनर हैं। ये फूल है, मगर ये फूल हम राधा जी को भेंट करने आए हैं। आइए, अंदर आइए। दीदी, आपसे कोई मिलने आया है। कौन है मीनू? राधा जी, आपने तो सत्युग की राधा से भी ज्यादा मनमोहक नृत्य किया। आपका नृत्य देखकर मेरा दिल अलीबाग की तरह बाग बाग हो गया। पापा, अलीबाग में बाग नहीं है। ओह शट अप माय नॉटी सन। ये पुष्प स्वीकार करिए। थैंक यू। बैठिए ना प्लीज। जी हम बैठने नहीं, बस खड़े होने आए हैं। आपके सिर्फ हाँ करने की देर है। जी जी, मैं समझी नहीं। राधा जी, आप चाहें तो हम आपको दुनिया भर के स्टेज पर पेश कर सकते हैं, चाहे वो मदरलैंड हो, पोलैंड हो, हॉलैंड हो, स्विट्जरलैंड हो, या इंग्लैंड का वेम्बली स्टेडियम ही क्यों ना हो। वेम्बली स्टेडियम जहाँ अमिताभ बच्चन का शो हुआ था दीदी। हाँ मीनू। क्या बात है राधा? मम्मी ये। नमस्कार जी, मेरा नाम हसमुख है और ये मेरा बेटा राकेश। आपके दर्शन करके मन को बहुत संतोष हुआ माताश्री। इनफैक्ट किसी ने सच ही कहा है कि जब भगवान ने सोचा कि दुनिया को अपना रूप कैसे दिखाए, तो उसने माँ बनाई और उसमें अपना रूप सजा दिया। गॉड इज ग्रेट। माताश्री, वी आर फ्रॉम शो बिजनेस। मम्मी, कि विदेशों में हमारा डांस प्रोग्राम कराना चाहते हैं। जी हाँ, एक ही शो में छोटा सा घर बहुत बड़े पैलेस में बदल जाएगा। बाहर खड़ी मारुति गाड़ी एक मर्सिडीज में बदल जाएगी। लाखों करोड़ों रुपया आपके बैंक अकाउंट की शान बढ़ाएगा। मीनू बेटी लंदन के स्कूल में जाएगी और राधा जी आप पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगी, झुमरी तलैया की तरह। पापा, झुमरी तलैया मशहूर नहीं है। ओह शट अप यू नॉटी सन। राधा जी, हम आपको एडवांस देना चाहते हैं और बदले में आपकी हाँ सुनना चाहते हैं। देखिए, हमें इनके डैडी से पूछना होगा और वो इस वक्त घर में नहीं है। जरूर पूछिए पिताश्री से, मगर ये एडवांस रख लीजिए। दीदी, इतना रुपया? देखिए, हम इस वक्त ये एडवांस नहीं ले सकते हैं और वो भी इतना रुपया। अरे ये तो मैडम सिर्फ टोकन है, टोकन। हर शो के बाद लाख रुपया मिलेगा। रखिए रखिए। अरे रखिए, ये तो सिर्फ एडवांस है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि हम आपकी हाँ की वेटिंग लिस्ट में बैठे हुए हैं। कल सुबह आपके पिताश्री के दर्शन के लिए फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आगे दीजिए, आगे दीजिए। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। डैडी प्लीज, डैडी हाँ कर दीजिए ना, मेरा स्टार बनने का सपना पूरा हो जाएगा। प्लीज प्लीज। और मेरा लंदन में पढ़ने का। बच्चे जिद कर रहे हैं तो हाँ कर दीजिए ना, फिर हम भी तो राधा के साथ जाएंगे। ठीक है भाई, आप सभी लोगों की यही मर्जी है तो हम कैसे इनकार कर सकते हैं। ठीक है, लगता है शायद वो लोग आ गए। जल्दी भाग, दरवाजा खोल। बच्ची बच्ची। नमस्कार पिताश्री। नमस्कार डैडी, ये मिस्टर हसमुख है और ये इनके बेटे राकेश। तो क्या पिताश्री की आज्ञा मिल गई? जी हाँ, डैडी ने हाँ कह दी है। धन्यवाद धन्यवाद। तो हम आज शाम को ही एयर इंडिया की फ्लाइट से लंदन जाएंगे। आप चलने की तैयारियां कीजिए, हम टिकट का इंतजाम करते हैं। नमस्कार पिताश्री। बच्ची, लंदन बाय एयर। गॉड हाउ नाइस। और फिर हसमुख हमारे सर पर रिवॉल्वर रखकर एक तहखाने में ले गया। ले आओ ले आओ मेहमानों को, खोल दो इनकी पट्टियां और बांध दो इन जंजीरों से। चलो चलो चलो, जल्दी करो जल्दी करो, चलो चलो। मैं पूछती हूँ, आखिर हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, मगर तुम्हें बहुत कुछ बनाना है। जैसे हमारा मुकद्दर, तुम्हारी अपनी तकदीर और अपने परिवार वालों की लंबी जीवन रेखा। क्या मतलब? मतलब तुम तीर हो, कोई शिकार है और हम शिकारी। नहीं, मैं कोई कठपुतली नहीं जो तुम मुझे समझ रहे हो। खामोश। मेरी बात काटने वालों की मैं गर्दन काट देता हूँ।
हैरान हो रही हो। दरअसल जो मैं दिखाई देता हूं वो मैं नहीं हूं, और जो हूं वो दिखाई नहीं देता। अब मैं तुम्हें आपकी तरह अपनी खाल उतार कर दिखाऊं। तुम एक बहुत ही खूबसूरत अदाकारा हो ना, इसलिए तुम्हें एक बहुत ही फैंटास्टिक ड्रामे में एक रोमांटिक रोल करना है, जिसका डायरेक्टर मैं हूं, हीरोइन तुम हो, और हीरो शाम है, जो दुनिया के 10 अमीरों में से एक है। तुम्हें अपनी अदाओं से, चंचल निगाहों से उसे अपनी सुंदरता के भंवर में डुबोना है, उसे झूठा प्यार करके सच्ची शादी करनी है, और शादी के बाद उसकी हत्या करनी है। फिर उसकी सारी दौलत, उसका सारा कारोबार, जो लंदन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान वगैरह वगैरह में फैला हुआ है, ऑटोमेटिकली तुम्हारे नाम हो जाएगा, और तुम ऑटोमेटिकली उसे हमारे नाम कर दोगी। देखो, इस स्टोरी में तुम्हारा रोल बहुत पावरफुल है, इसलिए पैसा भी बहुत मिलेगा। मैं थूकती हूं ऐसे पैसों पर जो किसी का खून बहाकर कमाया जाए, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। मैं ऐसा गंदा, जलील, नीच काम हरगिज नहीं करूंगी, हरगिज नहीं करूंगी। मेरे कानों में ना की आवाज आते ही मेरे शरीर में गुस्से का एक भूचाल आ जाता है। मैं ऐसी धमकियों से डरने वाली लड़की नहीं हूँ। मैं बुढ़े, समझा अपनी लड़की को। बेटी, इस कमीने की बात कभी मत मानना। अरे नीच, वो ऐसा गंदा काम कभी नहीं करेगी। कभी नहीं करूंगी। नहीं करोगी, कोई बात नहीं। बाप की मौत के बाद वो अपनी माँ और बहन की मौत देखना चाहोगी, या वो करोगी जो मैं कह रहा हूं? बोलो। गुड, वेरी गुड, आई लाइक, समझदार लड़कियां मुझको पसंद है। अब तुम ही बताओ शाम, मैं तुमसे कैसे शादी कर सकती हूँ? अब मैं ये घिनौना खेल नहीं खेल सकती। खेल तो अब शुरू होगा, जहां खून भी बहेगा और लाशें भी गिरेंगी, और जीत होगी राधा और शाम की। शाम, अंकल, अंकल, आपने तो मेरी काया ही पलट डाली। ओ, मेरी तकदीर बदल डाली। आपकी प्रार्थना एकदम सफल हो गई। पकड़ा, ये राधा नाना करने वाली शादी के लिए हा हा करने लग गई। मैं यहाँ हूँ शाम। अरे अंकल, आप तुम कह रहे थे राधा ने हा कर दी, मतलब भोले बाबा ने सुन ली। अरे अंकल, कभी तो कहती है योर माय डार्लिंग, कभी कहती है आई एम मिसिंग यू, अरे कभी कहती है आई एम किसिंग यू। अरे मुझे तो अपनी मोहब्बत की रेलगाड़ी मिली। इंजन तो दिख रहा है, मगर रेलगाड़ी किधर है? ओ सॉरी, आजा मेरी रेलगाड़ी। आ गई तुम्हारी रेलगाड़ी और जुड़ गई इंजन से। अरे ये क्या, तुम्हारे हाथ में भी शराब? पापा, आज से सब कुछ बदल गया। बदल गया मतलब? सोने वाला जागने वाला है, जागने वाला सोने वाला है, हंसने वाला रोने वाला है। देखना, अब हमारा थर्ड पार्ट कर देंगे सबका बॉयकॉट। गाजर को करेला कर देंगे,
बांसुरी की तरह सुरीला कर देंगे। अरे आज ये बहुत खुश है, जोड़ी जम गई ना। हाँ हम तुमको भी जमा देंगे। हाँ, जमा देंगे। मुझे? अरे मुझे कैसे जमा दोगे, मैं कोई कस्टर्ड हूँ, कुल्फी हूँ, दही हूँ, लगता है तुम दोनों को बहुत चढ़ गई है। तुम भी पी लो ना, तुमको भी चढ़ जाएगी, पी लो। नहीं पीना पापा, तुम पीकर सच बोलने लगते हो। मैं नहीं पीऊंगा, बिल्कुल नहीं पीऊंगा। मेरी राधा के मिलने की खुशी में भी नहीं पियोगे क्या? नहीं, थोड़ी सी पी लो ना अंकल प्लीज। नहीं पापा, नहीं बिल्कुल नहीं पीऊंगा। जो पीते नहीं जरा वो लोग हैं खराब, जो पीते नहीं जरा वो लोग हैं खराब, जो पीते नहीं जरा वो लोग हैं खराब। बेकार की बातें करते हैं, तकरार की बातें करते हैं, जो पीते हैं शराब, जो पीते हैं शराब, क्या बात है जनाब, जो पीते हैं शराब, क्या बात है जनाब। वो यार की बातें करते हैं, वो प्यार की बातें करते हैं, जो पीते नहीं शराब वो लोग है खराब। मेरा शबाब है, ये प्यार में
अंकल अंकल और पीजिए ना। हाँ बिंगा बिंगा पापा और शराब नहीं पीना। आप पीकर सच बोल देते हो, पकड़े गए तो पुलिस आजकल बहुत मारती है। अंकल अंकल बताइए ना, राधा की बहन राधा के माँ को कहाँ पे छुपा के रखा है? मत बताना पापा। अंकल अंकल प्लीज बताइए ना, मेरी माँ और बहन को कहाँ छुपा के रखा है? अंकल बता देता हूँ, अपनों से क्या पर्दा भाई। हमसे क्या पर्दा? राधा राधा भी अपनी, चांद भी अपना। वो जो काली पहाड़ी के पीछे खंडर है ना, उसमें मैंने राधा की माँ और उसकी बहन को छुपा रखा है। पापा आपने तो सब बता, अरे बता दिया तो बता दिया, अपनों से क्या पर्दा। अच्छा भाई गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। बेटा राकेश। हाँ पापा। हमारा एसिड टेस्ट बिल्कुल सही निकला, राधा ने बाजी पलट दी है। शाम को सब कुछ पता चल चुका है, लेकिन लेकिन मेरा नाम भी हंसमुख खुराना है। लगता है वो लोग उन्हें कहीं और ले गए। चलो अरे क्या हुआ? ये तो सोहन अंकल की गाड़ी है, शायद मंदिर में होंगे। चलो अंकल। अरे शाम तुम? सर ये है राधा। नमस्ते। जीती रहो बेटी, शाम तुम्हारी बहुत तारीफ करता है। लेकिन सर आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? अभी अभी मैंने अपने जुड़वा भाई मोहन सिंह को एक पेशावर मुजरिम के साथ जाते हुए देखा है, जिसे जुर्म की दुनिया में लोग टकला और शराफत की दुनिया में हसमुख के नाम से जानते हैं। अंकल आप हसमुख को जानते हैं? बहुत अच्छी तरह। मासूम लोगों को अगवा करके उनकी जिंदगियों के बदले में बड़ी बड़ी रकमें वसूल करना उस हरामजादे का पुराना पेशा है। सर ये हसमुख की राधा की बाप का कातिल है, राधा की माँ और बहन को उसी ने किडनैप किया है। हम उन्हीं को तो यहाँ ढूंढने आए थे लेकिन वो हमें नहीं मिले। घबराओ मत शाम, मैं उस कमीने की रग रग से वाकिफ हूँ और उसके हर ठिकाने को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तो चलिए सर, हमें राधा की माँ और उसकी बहन को उस दरिंदे की कैद से आजाद करवाना है। हाँ अंकल प्लीज हमारी मदद कीजिए। ये मेरा वादा है कि आज दिन ढलने से पहले राधा की माँ और बहन उसकी कैद से आजाद होंगी। शाम तुम होटल जाओ और वहां मेरे फोन का इंतजार करो। राधा जानती, जब जब तुम मेरी बाहों में होती हो तो मुझे कैसा लगता है? कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि जैसे सारी दुनिया के हुस्न शबाब से बढ़कर मेरी बाहों में आ गया। अच्छा। हेलो श्याम। यस अंकल। राधा की माँ और उसकी छोटी बहन इस वक्त दोनों मेरे साथ हैं। सच? तुम फौरन मेरे घर चले आओ। हम अभी आते हैं। क्या बात है? राधा अंकल ने तुम्हारी माँ और बहन को आजाद करवा दिया। सच? नहीं माँ। ये क्या सर, आपके आंखों में आंसू? श्याम राधा और उसकी माँ का प्यार देखकर मुझे तेरे माँ बाप की याद आ गई। माँ ये है श्याम। नमस्ते माँ जी। जीते रहो बेटे। श्याम दुश्मनों को तुम्हारी तलाश है पर दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। मेरी राय है कि आज ही तुम राधा को अपने साथ लेकर लंदन चले जाओ। नहीं सर, राधा और मैं शादी करके ही लंदन जाएंगे, आपका और राधा की माँ का आशीर्वाद लेकर। अगर ये बात है तो आज और अभी मैं तुम्हारी शादी का इंतजाम कर देता हूँ। थैंक यू सर। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहदशर्वाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति न स्तारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नोम बृहस्पतिर्ददातु पयः पृथिव्यां पयोहदीषु, पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः, पयस्वती प्रदिश
संतु मयम विष्णोरराटमसी। खुश रहो। मुबारक हो। मुबारक मुबारक। शादी की बर्बादी, मौत की वादी, सब कुछ मुबारक। यू ब्लडी बास्टर्ड। सर यही है वो कमीना, राधा के बाप का कातिल। मुझे गालियों का जरा भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि बुजुर्गों ने कहा है कि आग पेट्रोल को नहीं छोड़ती, नेवला सांप को नहीं छोड़ता, और जब मैं पैसों का हिसाब जोड़ता हूँ तो मैं अपने बाप को नहीं छोड़ता। इसलिए आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं छोड़ूंगा। यू बास्टर्ड। सर आप खामोश क्यों हैं? सर तूफान आने से पहले बला की खामोशी छा जाती है शाम। क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने यमराज को ब्रह्मा समझा, मौत को जिंदगी समझा, मझधार को किनारा समझा। मेरी आंखों को गौर से देख, इनमें तुझे तेरी चिता की जलती हुई आग दिखाई देगी, तुझे तेरी अस्थियों की राख दिखाई देगी। तेरी जिंदगी को मैंने जिस खाक में मिला दिया, तुझे वो खाक दिखाई देगी। ओह आई सी, तो जुड़वा भाइयों की कहानी एक फरेब था। वो तो इस कहानी का एक जबरदस्त मोड़ था, और अगर वो मोड़ तुम्हें पहले से पता लग जाता तो हमारी कहानी में गड़बड़ हो जाती ना भाई। हो जाती कि नहीं? हरामजादा मैं तुझे। हाँ उछलो, और जोर से उछलो। कटने से पहले हर बकरा उछलता है, बुझने से पहले हर दिया फड़फड़ाता है, फड़फड़ाता। तो तुम ही सब मेरे बाप के कातिल हो। सही पहचाना। अब तू अभिमन्यु की तरह महाभारत से भी बड़े चक्रव्यूह में फंस गया है। धर्म और कानून की नजरों में राधा तेरी पत्नी बन चुकी है, और सबूत के तौर पर हमारे पास वीडियो कैसेट है। अब तेरा सब कुछ राधा का हो जाएगा दुनिया की नजरों में, पर तेरी जायदाद के असली मालिक हम होंगे। हम तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। भब्बर ले जाओ इसे, और इसे भी बिल्कुल उसी तरह खत्म कर दो जिस तरह इसके बाप को खत्म किया था। और इसकी मौत भी कत्ल नहीं बल्कि एक एक्सीडेंट लगना चाहिए। नहीं, शाम, मेरी शाम को छोड़ दीजिए, मेरी शाम को छोड़ दीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरी शाम को छोड़ दीजिए। ले जाओ इसे। अरे राधा, शाम की हत्या नहीं होगी तो तुम विधवा कैसे बनोगी? तुम विधवा नहीं बनोगी तो शाम की सारी दौलत तुम्हारे नाम कैसे होगी? और शाम की सारी दौलत तुम्हारे नाम नहीं होगी तो हमारी दौलत कैसे होगी? इसलिए शाम का मरना बहुत जरूरी है। बंद कर दो इसको भाई, बंद कर दो। जाओ जाओ, ले जाओ ले जाओ इसे, ले जाओ, लो ला जाओ जाओ। उस दिन मैं नशे में था और तूने मेरी हालत खराब कर दी थी। आज तू मेरे पंजे में है और मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब यो कबूतर, अब नहीं करेगा गुटरगूं। आज मैं तेरी जिंदगी की गुटरगूं ही खत्म कर दूंगा। सबसे पहले मैं गाड़ी पर पेट्रोल छिड़कूंगा, उसके बाद मैं तुझ पे पेट्रोल डालूंगा, फिर माचिस से आग लगाऊंगा, उसके बाद मैं गाड़ी को पानी से नीचे फेंक दूंगा। तेरी मौत एक कत्ल नहीं, एक्सीडेंट होगा। अबे वो फेंकता क्या है, मारेगा क्या? Thank you.
अरे बात तो मरने की है ना, चाहे पहाड़ से गिरकर मरे या कार में जलकर मरे, मगर मरने से पहले शाम अपने खून से हमारी नई किस्मत लिख गया। चलिए उसकी मौत का जश्न मनाते हैं। अरे फोन भी बज गया शायद। हेलो, हम जिवागो बोल रहे हैं, हसमुख को फोन दो। जिवागो साहब। हेलो हेलो, कौन? हसमुख। जिवागो साहब, आप हिंदुस्तान में और हमें खबर तक नहीं। आंधी तूफान और जलजले खबर देकर आते हैं, मगर हम इन सब से 10 कदम आगे हैं। हम 3 साल से हिंदुस्तान में हैं और अब तक किसी को कानो कान खबर तक नहीं। जिवागो साहब, जरूर जुर्म की दुनिया में कोई बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है या कोई नई हलचल। हलचल और भूचाल नहीं, इनकलाब आने वाला है। हम दुनिया के सबसे बड़े खजाने की चाबी बना रहे हैं। सबसे बड़ा खजाना? तुम तो हमारे तेवर जानते हो हसमुख, हमारी नजरें हमेशा आसमान के सितारों पे रहती है, जमीन की धूल हमें पसंद नहीं। जी जी, जानता हूँ जानता हूँ, आप छोटी मोटी मछलियों का शिकार थोड़े ही करते हैं, इसलिए तो आप जिवागो हैं। जिवागो द ग्रेट, जिवागो द ग्रेट। यस यू आर राइट, जिवागो इज ग्रेट। वैसे जिवागो साहब, आपके दर्शन कब हो रहे हैं? सर, 2 डॉक्टर यहाँ से निकल कर भागने की कोशिश कर रहे थे, हम लोगों ने उनको पकड़ लिया है। होल्ड ऑन हसमुख। जी होल्ड करता हूँ। हो गए, कब तक हमें अपनी कैद में रखोगे? जब तक जिवागो तुम्हें आजादी के पंख न लगा दे तब तक। अब हम यहाँ एक पल भी नहीं ठहरेंगे, हमें किसी भी कीमत पर अपने घर जाना है, अपने बच्चों के पास जाना है। जाना है तो ठीक है। एक गया, दूसरा भी गया। मिस्टर जिवागो, ये क्या किया आपने? जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक तुम लोग यहां से घर नहीं, सिर्फ परलोक जा सकते हो। मिस्टर जिवागो, आपके खजाने की चाबी कल तक बनकर तैयार हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर, अगर ऐसा हुआ तो हम तुम्हें आजाद कर देंगे। जाओ अपना काम करो, जाओ। थैंक यू। हसमुख, तुम कल आकर हमसे मिलो। जी जी जिवागो साहब, जो हुक्म। हसमुख, खजाना विदेश में है लेकिन उसकी चाबी बना रहे हैं अपने देश में, लेकिन जब तक असली चाबी का पता नहीं चल जाता तब तक नकली चाबी का कोई फायदा नहीं। मैं कुछ समझा नहीं। जिवागो साहब, ये असली नकली चाबी का चक्कर क्या है? 3 साल पहले हमें उस खजाने का पता चला, उसके बाद उसकी डुप्लीकेट चाबी भी मिल गई। जिवागो साहब, डुप्लीकेट चाबी मिल गई? हाँ, डुप्लीकेट चाबी, उसे तराश तराश कर हमारे डॉक्टरों ने बिल्कुल ओरिजिनल बना दिया है। आओ हमारे साथ, तुम्हें दिखाते हैं। डॉक्टर, खोल दो पट्टियां। यस सर। लाइट्स ऑन करो। पापा, ये तो इंसान है, चाबी नहीं, मगर ये वो बेशुमार बेपनाह दौलत के खजाने की चाबी। इसका एक हम शक्ल है,
श्याम, श्याम फ्रॉम लंदन। मैं उस श्याम की जगह इस घनश्याम का इस्तेमाल करूंगा, उस श्याम की हत्या करूंगा और उसकी जगह इस घनश्याम को बिठाकर उसकी सारी दौलत पे ऐश करूंगा। कैसी लगी ये चाबी? जिबागो साहब बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया आपने तो, कमाल कर दिया। मगर असली चाबी, मेरा मतलब है वो श्याम, इन्हीं वादियों में किसी लड़के के लिए दीवाना बना घूम रहा है। हमने अपने आदमी उसके पीछे लगा दिए हैं, आज नहीं तो कल श्याम का खेल खत्म हो जाएगा। और ये घनश्याम श्याम की जगह ले लेगा, पहले मैं जरा अपना थोपड़ा तो देखूं। अरे वाह बाप, अरे तू तो घनश्याम से एकदम श्याम बन गया है ब्रो। ए जनाब सेठ, अपन तो एकदम श्याम बन गए लाइव फ्रॉम लंदन। अगर वो दूसरे श्याम को उठाने का कोई प्रॉब्लम ना सेठ, तो अपन का बोलो, अपन उसको उठा के एकदम खलास कर डालेगा। क्या डॉक्टर, क्या करेगा राजमी? अरे तू, तूने तो अपना एकदम चौका ही बदल डाला रे। मिस्टर जिवागो, मैंने 3 साल तक दिन रात मेहनत करके आपके घनश्याम को श्याम बना दिया है, अब मेरा काम खत्म हो चुका है, प्लीज अब मुझे जाने दीजिए। डॉक्टर, मैंने सुना है कि शहंशाह शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ काट दिए थे, जानते हो क्यों? नो मिस्टर जिवागो। ताकि वो कारीगर दुनिया में दूसरा ताजमहल ना बना सके। मैं कोई शहंशाह तो हूँ नहीं डॉक्टर, इसलिए तुम्हारे हाथ नहीं काटूंगा, मैं सिर्फ तुम्हारे शरीर से तुम्हारी आत्मा को अलग कर दूंगा, ताकि फिर कोई किसी घनश्याम को श्याम न बना सके। I hope you won't mind, doctor. No, Mr. Jivago, you can't do this. God please. Bless you, my boy. अरे वाह, अच्छा किया इसको खलास कर डाला, नहीं तो यह पैसे के लालच में एक और एक शाम बना देता। अब इन गद्दारों को भी खलास कर डालो, लुड़का डालो इनको। क्यों? क्या? अरे क्योंकि इन लोगों को पता चल गया है कि अपन शाम नहीं घनश्याम है। अरे बात समझो, ये लोग गद्दार नहीं बल्कि अपनी जुर्म की दुनिया के वफादार दोस्त। अच्छा बिड़ू लोग है? सुनो, अब तुम घनश्याम नहीं श्याम हो, ये जुबान नहीं चलेगी बिड़ू लोग, ये लुड़का डालेंगे, समझा? यू आर श्याम फ्रॉम लंदन, दीज आर फ्रेंड्स। कैसी लगी हमारी ट्रेनिंग? वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा हाजी बागो साहब, नमस्ते, चलते हैं, आपकी चाबी आपको मुबारक हो। पापा, ये डुप्लीकेट शाम कहाँ से पैदा हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि असली शाम जिंदा हो और उसने जिबागो को हमें तबाह करने के लिए खरीद लिया हो? हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। नहीं सर, शाम मेरी आंखों के सामने गाड़ी में जलकर राख हो गया था। बब्बर ठीक कहता है, अगर शाम बच भी जाता तो उसके जिस्म पर कहीं ना कहीं जलने या चोट के निशान जरूर होते, और फिर इतनी जल्दी वो जिबागो को कैसे बुला सकता था? ये जरूर घनश्याम है जिसे जिबागो ने शाम बना दिया है। तो इसका मतलब हमें दूध का दूध और पानी का पानी करना होगा। आओ मेरे साथ। नहीं नाचूंगी, हरगिज नहीं नाचूंगी, तुम्हारे इशारों पर कठपुतली बनकर बहुत नाची हूँ, अब नहीं नाचूंगी। नहीं नाचेगी, अगर तू कल स्टेज पर नहीं नाची तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मार डालो मुझे, बार बार मरने से एक बार मरना ही अच्छा है। अगर शाम इस दुनिया में नहीं रहा तो मैं जी कर क्या करूंगी, मुझे मार डालो। अगर तू कल स्टेज पर नहीं नाचेगी तो अपनी माँ और बहन की अर्थी के आगे नाचना, समझे? चलो। हसमुख एक बात तो बताओ, ये इस तरह अचानक राधा का डांस प्रोग्राम रखने का मकसद क्या है तुम्हारा? सोहन सिंह, इस मकसद में गहराई है, और गहराई में एक ऐसा राज दफन है जिसे अगर खोद कर बाहर नहीं निकाला गया तो हम सब उसमें जिंदा दफन हो जाएंगे। मैं कुछ समझा नहीं। देखो, अगर वो घनश्याम है तो राधा से मिलने कभी नहीं आएगा, और अगर वो श्याम है तो राधा से मिलने जरूर आएगा, और जैसे वो उससे मिलने आएगा हम सब उसे गोलियों से भून देंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
दरवाजा खुला रखना मेरा यार। बकवास कर रही है? हाय हाय बकवास नहीं कर रही, वो आपके लिए तोहफा भी देकर गया है, आपके लिए चूड़ियाँ और आपके लिए भुरका। पहनो और नाच करो। चूड़ी मजा न देगी, ओए ओए कंगन मजा न देगा। पापा पापा पापा, बाहर अपने सब लोग मूर्ति बने हुए तड़प रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ पापा। न देगी कंगन मजा न देगा। इसका मतलब वो घनश्याम नहीं शाम ही था। हो सकता है कि जिबागो ने घनश्याम को ये आर्ट सिखा दिया हो। नहीं सर, वो शाम ही था। पापा वो देखिए, और वो भी सोन सिंह, शाम जिबागो और राधा जरूर आज रात फरार होने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि वो ऐसा करें, हमें शाम और जिबागो दोनों को खत्म कर देना चाहिए। नहीं, अपन शाम की दौलत में से एक पैसा भी किसी को नहीं देगा, ना ही उस कुत्ते हसमुख को और ना ही उसके कुत्ते सोन सिंह को। क्या समझा? क्या घनश्याम, हसमुख और सोहन सिंह दोनों हमारी जुर्म की दुनिया के दोस्त है। ए, होएगा होएगा, लेकिन अपना सबसे बड़ा दोस्त पैसा है। क्या घनश्याम, हसमुख और हमारा एक ही प्लान था, वो राधा के जरिए श्याम की दौलत हासिल करना चाहता था और हम तुम्हें श्याम बनाकर, मगर उसने हमसे पहले ही श्याम को मार डाला। इस जुर्म में हम और हसमुख बराबर के हिस्सेदार हैं, हम उसके साथ बेईमानी नहीं कर सकते। अबे जा, बेईमानी के धंधे में ईमानदारी का क्या काम? अब ये घनश्याम श्याम हो गया है और श्याम की सारी दौलत का मालिक। क्या घनश्याम? घनश्याम? Who's Ghanshyam? I'm not Ghanshyam. I'm Shyam from London, the biggest business tycoon. You understand, Mr. Zibago? हमारी बिल्ली हामी से म्याऊं? ये बिल्ली नहीं, चीता बोल चीता,
जो अपने शिकार पर किसी के पंजे नहीं पड़ने देता। ये हसमुख और उसके कुत्तों को तो मैं कच्चा चबा जाऊंगा, और जिवागो तू भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझा क्या? जिवागो के साथ गद्दारी करने वाले को दौलत नहीं मौत मिलती है। अब हम हसमुख के प्लान के मुताबिक चलेंगे। उसने असली शाम को खत्म कर दिया, अब हम नकली शाम को खत्म कर देंगे। मेरे को मारेगा? हाँ, तुझे मारेंगे। उसके बाद राधा को लंदन ले जाकर शाम की जगह बिठा देंगे, और फिर सारी दौलत पे हक हमारा, हसमुख और उसके साथियों का होगा। यू बास्टर्ड। मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है जिवागो, तुम्हारी पिस्टल की सारी गोलियां यहां पर हैं। आज तेरा आखिरी वक्त आ गया है। थैंक यू हसमुख। हमने सब कुछ सुन लिया जिवागो साहब, और हम आपकी शराफत के कायल हो गए। अब शाम की दौलत के हम सब बराबर के पार्टनर्स होंगे। तो फिर हमें जल्दी ही लंदन चलने की तैयारी करनी चाहिए। शाम की विधवा का रूप धारण कर लेना, लेकिन याद रखना आंखें आंसुओं से भरी और लाल लाल होनी चाहिए। शाम की मौत का दुख तुम्हारे पूरे चेहरे से टपकना चाहिए, ताकि कल सुबह जो शाम की अस्थियों को श्रद्धांजलि देने आए उन्हें तुम्हारे साथ पूरी हमदर्दी हो। घबराइए मत हसमुख जी, वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। मतलब? माँ ने मुझे सब कुछ समझा दिया। क्या समझा दिया है? यही कि अब तो आपके इशारों पर चलना है, आपके साथ रहना है, तो फिर क्यों ना इस रिश्ते को एक नया मोड़ दे दिया जाए। कैसा मोड़? प्यार और मोहब्बत का मोड़। मतलब देखिए ना, मैं विधवा बनकर नाटक तो कर सकती हूँ, मगर विधवा बनकर सारी जिंदगी नहीं रह सकती। मैं जवान हूँ, हसीन हूँ, आप भी तो कुछ कम नहीं, तो क्यों ना आप ही मेरा हाथ थाम ले। यस, मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत कबूल कर ले प्लीज। ये कैसी कैसी बातें कर रही हो तुम? अच्छी अच्छी बातें कर रही हूँ मैं, भरी जवानी में मैं अकेले कैसे रह सकती हूँ, मुझे भी प्यार चाहिए। हसो जी। हसो जी नहीं, हसमुख जी। सॉरी। इट्स ओके। जब आप विग पहनते हैं ना, तो आप किसी हीरो से कम नहीं लगते हैं। रियली? यस। आपको वो विग कहाँ है? मेरी जेब में। जेब में? पहन लीजिए ना। एक मिनट, एक कितने अच्छे लगते हैं पहन के। ओह सो स्वीट। आपका गुड लुकिंग चश्मा? वो भी है, वो बड़ा बड़ा वाला। प्लीज प्लीज प्लीज। ओह शिट, कितने अच्छे लग रहे हैं आप। मेरा दिल करता है आपको जी भर के प्यार करूं। चोर ट्रीट, आपकी चुम्मी ले लो। कहाँ हो? मिल गई, मिल गई, मिल गई। शक्ल देखो हसमुख जी, आप बिल्कुल बच्चे की तरह हैं। हसमुख जी, मुझे भी ऐसे दो दो जुड़वा बच्चे चाहिए, बिग वाले, बिल्कुल आपकी तरह। दो? क्या कुछ प्रॉब्लम है? कोई बात नहीं, सिर्फ एक काफी है, वो भी ऐसा आपकी जैसा। आप छूते तो मुझे करंट लगता है। प्लीज, गॉड, हम लोग कब कहाँ मनाएंगे हनीमून? वेरी सून, देहरादून। देहरादून? लंदन में रहते हुए आप हिंदुस्तान की बातें करते हैं, हम जाएंगे स्विट्जरलैंड, पेरिस। लेकिन किसी को पता नहीं लगना चाहिए। नो। ना जिबागो को, ना सोन सिंह को, ना और ना मेरे पड़ोसी के ढक्कन को। विग निकल गई। हसमुख, हम वेरी वेरी सॉरी, आपका विग गिर गया। हसमुख जी, आप जानते हैं ये जमाना प्यार करने वालों से बहुत जलता है, तो आप यहाँ से चले जाइए। ओ यस, मैं हूँ ना हमेशा आपकी राधे। राधे? हसो। ओ नो नो, हसमुख, जाने से पहले मैं एक शेर कहना चाहता हूँ। ओ नो,
किसी के कान में हीरा, किसी की आंख में हीरा, मुझे हीरों से क्या लेना, मेरा महबूब है हीरा, हीरा हीरा रे हीरा रे हीरा हीरा हीरा। पड़ोसी के तू यहाँ क्या कर रहा है? पापा मैंने सब सुन लिया है, अंदर क्या बात हो रही थी? राधा आपकी बेटी समान है, उससे शादी मेरी होने वाली थी और आप कर रहे हैं उससे शादी? चुप रह, अपनी होने वाली मम्मी पर बुरी नजर रखता है कमीने कुत्ते सुअर के नहीं सुअर के नहीं। ये बाप है या बेटे के लिए श्राप है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं शाम का बदनसीब फादर इन लॉ होने के नाते आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने शाम की विधवा राधा को मान सम्मान दिया, उसे शाम की कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया। तकदीर को कोई नहीं बदल सकता, मैं राधा का मामा हूं। शाम की मौत क्या हुई, हम सब जीते जी मर गए, लेकिन शाम की अस्थियां, उसकी चिता की राख, जीवित आत्मा बनकर हमेशा हमारे साथ रहेगी। अब हम सब चंद पलों के लिए शाम की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करें। लेडीज एंड जेंटलमैन। मिस्टर हसमुख, मिसेस श्याम कहाँ हैं? उन्हें बुलाइए। I'm here, ladies and gentlemen. Hi. Hello. नमस्ते। राधे, वो तुमने विधवाओं वाली सफेद साड़ी क्यों नहीं पहनी? आप लोग मुझे देखकर हैरान हो रहे हैं ना? मेरे विधवा के कपड़े इसलिए नहीं पहने क्योंकि शाम की इच्छा थी कि उसके मरने के बाद भी मैं शाम की पसंद के कपड़े पहनूं। आंखों में आंसू नहीं, चेहरे पे गम नहीं, बल्कि जश्न मनाओ। आप ये बताइए, विधवा बनकर आंखों में आंसू भरकर दुनियादारी निभाऊं या शाम की आखिरी इच्छा पूरी करूं? तो हनीमून पेरिस में ही होगा ना? हाँ डार्लिंग, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे ही आंसू बहाती जाओ। अरे हंसू, ये आंसू तो जमाने को दिखाने के लिए है। वेरी गुड। लेकिन तुझे रिझाने के लिए है। वेरी गुड। ये राधा तेरी बाहों में समाने के लिए है। मगर ये रिवॉल्वर क्या, मुझे सताने के लिए है? अरे राधे, हाँ? ये रिवॉल्वर तो मर जाने के लिए, दुश्मनों को डराने के लिए है। नहीं मुझे नहीं, सॉरी सॉरी। लो हंसो, जश्न मनाओ। सोहन सिंह जी, ये लीजिए चाम, आपकी मौत के नाम। मेरी मौत के नाम? क्या कह रही है? हाँ जी, सच कह रही हूँ। हसमुख और उसका बेटा आज रात आपको खत्म कर देंगे। उन दोनों को मैंने आपकी मौत का प्लान बनाते हुए सुना है, इसलिए कुछ ड्रामा करके उसे ये रिवॉल्वर ले आई हूँ। अरे क्यों हमसे मजाक करती है? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा, और वो भी आज की रात। अरे मेरा वो पार्टनर है, गद्दार थोड़ी है। गद्दार नहीं है सर, गद्दारों का बाप है। मैं सच कहती हूँ सर, मैं सच कहती हूँ। जब भी मैं आपको देखती हूँ मुझे मेरे पिताजी की याद आ जाती है। प्लीज मिलिए, मैं सच कह रही हूँ सर, वो जालिम आपको सचमुच मार देगा। प्लीज ट्रस्ट मी। बेटी, पिताजी, अगर ऐसी बात है ना, हाँ? तो रिवॉल्वर मेरे पास भी है। हाँ? मैं आज ही उन दोनों को खत्म कर दूंगा। अरे क्या कह रहे हैं आप, हसमुख जैसे चूहे को मारने के लिए रिवॉल्वर की क्या जरूरत है? एक झापड़ खींच के मारिए, जमीन पर चित नजर आएगा। लाइए दीजिए, मुझे दीजिए। पिताजी, राकेश के पास भी एक रिवॉल्वर है, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको गोली मार दे। बेटी, पिताजी फिक्र मत कर। हाँ।
मैं उस चूहे और उसके गंजे बाप को मसल कर रख दूंगा। पिताजी, I'm so proud of you, पिताजी, I'm so proud of you। बेटी। पिताजी। Thank you। You're welcome। पिताजी। बेटी। मैं जाकर राकेश का भी रिवॉल्वर ले लूं। जा ले ले जा। Thank you, पिताजी। Thank you। खुश रहो बेटी, खुश रहो। पिताजी। हाय राकेश हर। ओ हाय राधा। तुम राकेश हंस की जगह अपना नाम राकेश कौवा रख लो। राकेश का कौवा? मगर क्यों रख लो राधा? क्योंकि मुझे कौवे बहुत पसंद है। तुम मेरे लिए हंस की जगह कौवा नहीं बन सकते? तुम्हारे लिए? हाँ। तुम्हारे लिए मैं गधा, घोड़ा, कुत्ता, कुछ भी बन सकता हूँ राधा। गधा, घोड़ा, कुत्ता? हाँ राधा। क्या बात है? मगर तुम्हारा वो गंजा बाप और वो बूढ़ा सोहन सिंह चाहते हैं कि मैं उनसे शादी कर लूं। अब तुम ही बताओ मेरे कौवे, मैं तुम्हें छोड़कर उन बुढ़ों के बारे में कैसे सोच सकती हूँ? सच राधा? हाँ। तो तुम मुझसे शादी के लिए तैयार हो? हाँ सच। ओ राधा। ओ मेरे कौवे। मगर उन बुढ़ों का क्या होगा? मैं उनको खत्म कर दूंगा। अरे वाह। वैसे भी तो मैं पड़ोसी का हूँ। अच्छा? वो बुढ़ा मेरा बाप थोड़े ही है। अरे क्या बात करते हो, मैं उनका खून कर दूंगा। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ कोई खून खराबा हो। प्लीज ये खिलौना मुझे दे दो मेरे कब्बे। खेलो राधे। मगर कब्बे। हाँ राधे। नहीं छोड़ना उन बुढ़ों को, हमारे प्यार के दुश्मनों को। नहीं छोड़ूंगा राधे, नहीं छोड़ूंगा उनको। शाम, तुम मुझे मारा क्यों? तेरी नीयत खराब हो गई। जवाब साहब। हमें किसने याद किया? दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि मैं जिंदा कैसे हूं। उसके बाद तुमने मुझे घनश्याम समझकर गोलियों से भून दिया। जानते हो मैं कैसे बचा? मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा था। Ah!
पिताजी के हथियार है। आज मैं इनके खून से तेरे दूध का कर्ज। नहीं श्याम नहीं, तुम कानून को अपने हाथ में मत लो। इंसान चाहे जालिम हो या मासूम, वो अत्याचार करने के लिए बंदूक उठाए या अत्याचार मिटाने के लिए कानून की नजर में मुझे बन जाता है। तुम इनका गंदे खून से अपने हाथ मैले मत करो। जिबागो साहब, ये हमारा दुश्मन है। जिबागो साहब, खत्म कर दो हमारे दुश्मन को, खत्म कर दो इसको। ये तुम्हारा दुश्मन नहीं, बल्कि तुम लोग इसका दुश्मन हो। और मैं हूँ कानून का मुहाफिज, कानून का रखवाला, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस शत्रुघ्न सिन्हा उर्फ जिबागो। पुलिस? जिसने आज तक तुम जैसे मुजरिमों की टोली में शामिल होकर न जाने कितने गिरोह को जेल के काल कोठरी में ठोस दिया। मैं चाहता तो तुम लोगों को हिंदुस्तान में ही गिरफ्तार कर लेता, लेकिन राजा की बहन और उसकी मां को जिंदा हासिल करना था, इसलिए तुम लोगों को लंदन तक लेकर आना पड़ा। इंस्पेक्टर कूपर उर्फ डॉक्टर। यस सर। ये तो पट्टी वाला डॉक्टर है। पुलिस ऑफिसर है। अरेस्ट देम। ऑफिसर, थैंक यू मिस्टर सिन्हा। हमने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया, अब वक्त आ गया है तुम लोग अपना फर्ज निभाओ। ऑल द बेस्ट। ये देखो मां, मैं तुम्हारे लिए हिंदुस्तान से चांद का टुकड़ा लाया। बिल्कुल वैसे ही ना जैसे तुमने सोचा था। मैंने देखी लाखों मुखड़े, ना देखा तेरे जैसा मुखड़ा। तू लगे